सो आई एम गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चन फ्रॉम एनालिटिकल ज्योमेट्री। हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री का कुछ क्वेश्चन करेंगे वो देखें यहाँ। सबसे पहला ये प्रीवियस ईयर 2019 का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को समझ लें आप। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर पॉइंट ए एंड बी आर द रिस्पेक्टिवली बी कॉस अल्फा एंड बी साइन अल्फा एंड ए कॉस अल्फा एंड ए साइन बीटा, ये दिया हुआ। मतलब आपका दो पॉइंट दिया हुआ। ये पॉइंट क्या है आपका? पहला ए है, ये आपका पॉइंट ए है, और ये पॉइंट क्या है? बी है। ठीक है, ये पॉइंट बी। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ? बी कॉस अल्फा। ए का कोऑर्डिनेट बी कॉस अल्फा, और ये क्या है आपका? बी साइन अल्फा, ये दिया हुआ है। ठीक है, अगला जो है आपका क्या है? ए कॉस बीटा, ए कॉस बीटा, और क्या है आपका? ए साइन बीटा। ए कॉस बीटा और ये क्या है आपका? ए साइन बीटा। ठीक है, अब यहाँ से लिखा हुआ एंड इफ द फॉलोइंग ए एंड बी इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट एम एक्स वाई, मतलब यहाँ से इसको क्या क्या एक्सटेंड किया गया इस पॉइंट को, कहाँ तक? ये एम, इसकी कोऑर्डिनेट क्या है आपका? एक्स और वाई दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ इज प्रोड्यूस टू एम एक्स सो दैट ए एम रेशियो बी एम, मतलब यहाँ से यहाँ का रेशियो दिया हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ का रेशियो दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, दो रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए एम का रेशियो कितना दिया हुआ है? देखिए, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, एम वन मान लेते हैं। सेक्शन फार्मूला से बनेगा आपका एम वन का वैल्यू दिया हुआ है कितना? बी दिया हुआ है। और एम टू का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका? ए दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, आपको प्रूव ये करना है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे यूजिंग सेक्शन फार्मूला। ये सेक्शन फार्मूला में दो तरह का सेक्शन फार्मूला होता है। ठीक है, सेक्शन फार्मूला दो तरह का होता है। पहला, जब एक्सटर्नली उसको सेक्शन में डिवाइड करें, और एक इंटरनली, ये आपका एक्सटर्नली है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर देखिए इंटरनली में ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है, जैसे यहाँ ए है, यहाँ बी है, और यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा, क्या होगा? एम होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा आपका? एक्स और वाई होगा, और ये क्या होगा आपका? एक्स वन और वाई वन होगा, और ये क्या होगा? एक्स टू और वाई टू। इस कंडीशन में जो होगा, यहाँ पे देख ले, यहाँ पे एम जो होगा ए बी से बाहर है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनली। और इंटरनली में सेक्शन फार्मूला जो आएगा आपका क्या होगा? एम वन एक्स टू प्लस क्या होगा? एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई क्या होगा? एम वन प्लस एम टू। ठीक है, ये आ जाएगा। और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एम वन वाई टू प्लस क्या होगा आपका? एम टू वाई वन डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका? एम वन प्लस एम टू। बट इन द केस ऑफ एक्सटर्नली, जब केस आपका एक्सटर्नली का हो, एक्सटर्नली का मतलब ये आपका देख लें, एक्सटर्नली का केस का मतलब ये ए है, ये बी है, और ये क्या है? एम है। ठीक, ये एम है। अगर ए का वैल्यू कितना है आपका? एक्स वन और वाई वन है। बी का वैल्यू क्या है आपका? एक्स टू और वाई टू है। और एम का वैल्यू क्या है आपका? एक्स और वाई है। इस कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक इसका जो सेक्शन में डिवाइड करता है एम वन में करता है, और ये जो सेक्शन में डिवाइड करता है वो क्या करता है? एम टू में करता है। यहाँ से जो सेक्शन फार्मूला होगा आपका क्या होगा? एम वन एक्स टू माइनस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम वन माइनस एम टू। ठीक है, एम वन माइनस क्या होगा? एम टू। और वाई इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा आपका? एम वन वाई टू माइनस क्या होगा? एम टू वाई वन डिवाइडेड बाई एम वन माइनस क्या होगा आपका? एम टू। अब इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग इसको, ये दिया हुआ आपका एक्स वन, और ये क्या आपका वाई वन, ये क्या आपका एक्स टू, और ये क्या आपका वाई टू। अब यहाँ से एम वन का वैल्यू भी दिया हुआ, कितना दिया? एम वन इक्वल टू क्या है? बी। और एम टू इक्वल टू कितना है? ए। अब यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकालना है, तो x का वैल्यू के लिए हम लोग क्या होगा, हम लोग के पास एक्सटर्नली है एम वन एक्स टू, सॉरी एम वन एक्स टू माइनस एम टू एक्स वन। ठीक, ये होगा एम वन एक्स टू माइनस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम वन माइनस क्या होगा आपका? एम टू। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये जो वैल्यू होगा हम लोग के पास, ये वैल्यू हम लोग के पास एम वन का वैल्यू कितना, देखें यहाँ पे एम वन का वैल्यू हम लोग के पास क्या है? एक्स इक्वल टू, एम वन इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका? एम वन इक्वल टू बी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका बी हो जाएगा। एक्स टू का वैल्यू कितना, देखें यहाँ पे एक्स टू का वैल्यू ए है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ए साइन बीटा हो जाएगा आपका। ठीक है, माइनस माइनस का एम टू, एम टू का वैल्यू कितना देख लें आप, एम टू का ए है, ये ए हो जाएगा। और एम टू एक्स वन, एक्स वन का वैल्यू कितना देखें आप? बी कॉस अल्फा, ए बी कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका? एम वन माइनस एम टू मीन्स बी माइनस ए। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ये किसका वैल्यू आ गया आपका? एक्स का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब एक्स का वैल्यू निकल गया हम लोग के पास, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉमन क्या ले लेंगे इसमें? बी, ए बी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ए बी एक, और ये अगला क्या आ जाएगा आपका? एम वन, एम वन एक्स टू हो गया, एम टू, एम टू का ए है, बी ए, एम टू एक्स वन, एक्स वन का वैल्यू कितना? कॉस अल्फा है। ठीक है, कॉस अल्फा, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? कॉस बीटा आ जाएगा, कॉस बीटा माइनस क्या आ जाएगा आपका? कॉस बीटा माइनस क्या आ जाएगा आपका? कॉस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, इसको याद करें फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पे होगा ए बी बाई क्या होगा? बी माइनस ए,
और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू मीन्स बी प्लस अल्फा बाई टू इंटू साइन क्या होगा बी माइनस अल्फा बाई टू, ये हो जाएगा ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया किसका फॉर्मूला आ गया ये एक्स के सी कॉस का सॉरी कॉस में कॉस सी माइनस कॉस डी का। अब यहाँ पे फिर सिमिलरली वाई का वैल्यू निकालते हैं फिर उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का देखें वाई का वैल्यू कितना निकलेगा आपका देख लें यहाँ पे, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका y इक्वल टू क्या होगा आपका m1 y2 m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 ठीक है। m1 माइनस क्या होगा m2, सो m1 का वैल्यू कितना आपका देख लें m1 का वैल्यू जो है आपका क्या है b है और y2 का ab को कॉमन लेंगे तो ab बाय क्या आ जाएगा आपका b माइनस a और यहाँ से जो अंदर में आ जाएगा आपका साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, तो फॉर्मूला आ जाएगा आपका साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या होगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू तो बीटा प्लस अल्फा बाई टू इंटू क्या होगा साइन सी कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू निकल जाएगा हम लोग के पास दैट सो दैट सॉरी हम लोग इसमें पुट करते हैं वैल्यू को ठीक है। ये वैल्यू हम लोग एक्चुअल वाई का वैल्यू निकल गया है इसमें इस वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं कि जीरो वैल्यू आता है कि नहीं आता है ठीक है। तो पहला देख लेते हम लोग पुट करके यहाँ पे कि सबसे पहले वैल्यू क्या आ जाएगा आपका देखें यहाँ पे ये वैल्यू जो है यहाँ पे एक्स की जगह में जो वैल्यू हम लोग निकाले हुए उस वैल्यू को पुट करेंगे और वाई की जगह में जो वैल्यू हम लोग निकाले उस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे और पूरा कैलकुलेशन करेंगे कि क्या वो वैल्यू जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है। तो ये एक्स कॉस अल्फा एक्स का वैल्यू कितना देखें यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या आपका ए बी ठीक है ए बी बाय बी एम बी माइनस ए, तो यहाँ पे वो लिख सकते हैं ए बी बाय क्या होगा आपका बी माइनस ए ये दिया हुआ है और ब्रैकेट के अंदर क्या इतना दिया हुआ आपका माइनस टू साइन क्या दिया है बीटा प्लस अल्फा बाई क्या है टू इंटू क्या है साइन बीटा माइनस अल्फा बाई टू बीटा माइनस अल्फा बाई टू इंटू क्या है आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई क्या आ जाएगा आपका टू और प्लस वाई का वैल्यू इस बार बैठाते हैं ए वाई का वैल्यू क्या होगा आपका ए बी बाई क्या आ जाएगा बी माइनस ए और ये क्या आ जाएगा आपका टू कॉस ये क्या जाएगा आपका बीटा प्लस अल्फा बाई टू बीटा प्लस अल्फा बाई टू इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा बाई टू ठीक है। बीटा माइनस अल्फा बाई टू इंटू क्या आ जाएगा आपका साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू ये हम लोग जीरो पुट करना है। अब यहाँ पे जो कॉमन है उसको हम लोग कॉमन निकालें क्या कॉमन है देख लें यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे ये कॉमन दिख रहा है दोनों में ठीक है ये कॉमन है एक कॉमन इसको बाहर कर लेंगे हम लोग ए बी बाई क्या होगा आपका बी माइनस ए और ये कुछ कॉमन होगा आपका देख लें ये टू भी कॉमन है तो टू को भी हम लोग बाहर कर लेते हैं यहाँ पे ये टू भी कॉमन हो गया आपका और कुछ कॉमन है तो देख लें यहाँ पे कॉमन आपका क्या है आपका ये कॉमन है ठीक है ये वाला पार्ट क्या है आपका कॉमन है तो यहाँ पे इसको बाहर कर लेते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा आपका साइन बीटा माइनस अल्फा बाई क्या आ जाएगा टू ये तो बाहर आ गया। अब यहाँ पे जो बच गया क्या बचा है आपका माइनस बचा हुआ आपका तो माइनस का क्या बचेगा आपका साइन बीटा प्लस अल्फा बाई टू और ये क्या बचेगा आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू और ये प्लस का क्या बचेगा आपका कॉस बीटा प्लस अल्फा बाई टू और ये क्या होगा आपका साइन अल्फा बीटा प्लस अल्फा बाई टू ठीक है। आप देख लें यहाँ पे ये पूरा प्लस पूरा माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा आपका तो ये क्या जाएगा आपका टू ए बी बाई क्या होगा बी माइनस ए इंटू साइन क्या होगा आपका बीटा माइनस अल्फा बाई टू इंटू क्या जीरो तो जी समथिंग इंटू जीरो मीन्स जीरो ओरिजिन ओरिजिन है यहाँ पे और पी जो है एक पॉइंट है ठीक है पी बी एनी पॉइंट पी बी एनी पॉइंट पी बी एनी पॉइंट इन द क्यूब ठीक है। इसका जो वैल्यू कोऑर्डिनेट क्या है आपका पी का एक्स वाई और जेड है ठीक है ये वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग को वैल्यू अगर देखें यहाँ पे कि यहाँ पे अगर इसका वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करें सबसे कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं हम लोग कि किसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ए ए का देखें यहाँ पे कौन सा एक्सिस में एक्स एक्सिस में तो एक होगा ए जीरो जीरो हो जाएगा बी कौन सा एक्सिस में आपका देखें बी जो है कौन सा एक्सिस वाई एक्सिस में तो जीरो ए जीरो हो जाएगा सी जो होगा क्या होगा आपका जीरो जीरो सी हो जाएगा ठीक। नेक्स्ट हम लोग के पास डी डी जो है हम लोग के पास क्या हाँ है देखें डी डी नहीं है हम लोग के पास क्या एन है एन का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा देखें एन कौन सा प्लेन में है एक्स वाई प्लेन में है एन एक्स वाई प्लेन में है इसका मतलब ए ए जीरो हो जाएगा ठीक है एन हो गया। अब एल एल कौन सा प्लेन में है देखें यहाँ पे देखें वाई और जेड प्लेन में जीरो हो जाएगा ये जीरो ए हो जाएगा ठीक है। फिर हम लोग एम एम कौन सा कोऑर्डिनेट में आपका देखें यहाँ पे ये आपका एक्स और जेड प्लेन में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक्स जेड प्लेन मतलब ए जीरो ए हो जाएगा ठीक है। ये वैल्यू हम लोग के पास निकल गया सारा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इसका डी सी निकालते हैं डायरेक्शन को साइन निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे ये सारा वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ है।
अब यहाँ से द डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स में कौन कौन है, द डायरेक्शन रेशियोज द डीसी ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स कौन कौन सा है इसमें, डायगोनल्स ओए, ठीक है, डायगोनल्स क्या आपका ओए, ए ओए पहला ओए है, फिर नेक्स्ट है एएल है, बीएल है, एएल है, बीएम है, सीएन है, ठीक है, ओए एएल बीएम एंड सीएन, ये आपका डायगोनल है, ठीक है। सारा का हम लोग क्या निकालेंगे, सारा का हम लोग डीसी निकालेंगे, ठीक है, सारा का हम लोग क्या करेंगे, डीसी निकालते हैं। जब इसकी डीसी निकालेंगे क्या आ जाएगा, देखें सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या, ओ को ए के साथ, ओ को ए के साथ, ओ और ए, ये देख लें यहाँ पे, ओ और ए का डायरेक्शन को साइन निकालेंगे, सबसे पहले ओ ए निकलेगा, ओ का क्या होगा अपना जीरो जीरो होगा, और जब जीरो जीरो होगा तो आपको डायरेक्शन को साइन का पता होगा, फॉर्मूला क्या होता है आपको डायरेक्ट डीसी का फॉर्मूला बताते हैं। जैसे कि अगर हमें होगा ए एल, ए एल कहाँ है देख लें आप, ए एल किस एक्सिस किस प्लेन में है, ए एल ये आपका ए एल, यस, तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा आपका क्या होगा, माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए ए ए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका ए माइनस ए और ए, और नेक्स्ट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका ए ए माइनस ए, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका। अब यहाँ से सारा का हम लोग अगर डीसी निकालेंगे, डीसी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एल बाय क्या करेंगे, ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सारा का अगर हम लोग इसका निकालेंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, देखें यहाँ पे ये जो होगा क्या होगा ए, इसका मतलब क्या होगा ऊपर में ए हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा सारा ए स्क्वायर बाहर, इसे कट जाएगा क्या बचेगा वन बाई रूट थ्री, तो क्या आ जाएगा हम शॉर्ट में लिख देते हैं इसको, ठीक है, इसका जो डीसी निकलेगा वो क्या निकलेगा, पाला का क्या निकलेगा, वन बाई रूट थ्री, फिर क्या होगा वन बाई रूट थ्री, फिर क्या होगा वन बाई रूट थ्री, पाला का निकला, दूसरा का क्या होगा आपका, दूसरा पॉइंट का क्या निकलेगा, माइनस आ जाएगा पाला, वन बाई रूट थ्री, फिर क्या होगा वन बाई रूट थ्री, फिर क्या होगा वन बाई रूट थ्री, तीसरा का क्या आ जाएगा आपका सेकेंड वाला माइनस होगा आपका, ठीक है, वन बाई रूट थ्री, और ये क्या होगा माइनस वन बाई रूट थ्री, और फिर क्या होगा वन बाई रूट थ्री, और अगला क्या आ जाएगा आपका वन बाई रूट थ्री, और ये क्या होगा आपका वन बाई रूट थ्री, और ये क्या आपका आएगा माइनस वन बाई रूट थ्री आएगा, ठीक है, ये सारा का डी सी हम लोग निकाल लिए। और आपको पता होगा कि यहाँ पे लेट एल एम एन, लेट एल एम एन, यहाँ पे आपका जो एल एम एन है वो क्या आपका डायरेक्शन को साइन, ठीक है, क्या है डी सी ऑफ ही लाइन, ठीक, ऑफ ही लाइन, डी सी ऑफ ही लाइन विच मेक्स एंगल, विच मेक्स एंगल, विच मेक्स एंगल क्या बना रहा है इसका, अल्फा बीटा गामा और क्या बना रहा है आपका डेल्टा बना रहा है। तो आपको पता होगा कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये पालक एल है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको सारे को, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि कॉस अल्फा जो फॉर्मूला होता है आपको एंगल निकालने का, एल वन एल टू प्लस क्या होगा एम वन एम टू प्लस क्या होता है आपका एन वन एन टू होगा, ठीक है, ये निकलेगा आपका। एल वन का वैल्यू कितना है, देखें पाला एल वन का वैल्यू ये वाला है, और एल टू का वैल्यू कितना एल है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका वन बाई रूट थ्री एल प्लस क्या होगा आपका वन बाई रूट थ्री एम, वन बाई रूट थ्री एम और प्लस क्या होगा वन बाई रूट थ्री क्या हो जाएगा आपका एन, ये वैल्यू हम लोग के पास क्या निकला कॉस अल्फा का निकला। सिमिलरली यहाँ से ये वैल्यू हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ पे रूट थ्री हम लोग क्या करेंगे इसका कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इसका तो क्या होगा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना वन बाई रूट थ्री, ये आपका वन बाई रूट थ्री और ये बचेगा एन प्लस क्या होगा आपका एम प्लस एन, ये हम लोग के पास निकल गया किसका कॉस अल्फा का वैल्यू निकलेगा। अब कॉस अल्फा का वैल्यू जो निकल गया उसके बाद हम लोग क्या करें, कॉस बीटा इक्वल टू सिमिलरली सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, इसमें माइनस होगा फर्स्ट वाला, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा वन बाई रूट थ्री और ये क्या आ जाएगा आपका है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आ जाएगा आपका माइनस एल प्लस एन प्लस क्या है ये निकलेगा। फिर कॉस गामा निकालेंगे क्या आ जाएगा आपका वन बाई रूट थ्री और ये क्या आ जाएगा एल माइनस एन प्लस एन आ जाएगा। फिर कॉस डेल्टा तो ये आपका वन बाई रूट थ्री ये आपका निकलेगा एल प्लस एम माइनस क्या होगा एन। अब सारे में पुट कर देते हैं वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका देखें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा ठीक है कॉस स्क्वायर डेल्टा तो कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना देख लें यहाँ पे वन बाई रूट थ्री क्या आ जाएगा वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर मतलब क्या होगा वन बाई थ्री का वन बाई थ्री और ये आ जाएगा आपका कितना एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर क्या होगा वन बाई थ्री माइनस एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर फिर ये होगा प्लस वन बाई थ्री और ये क्या एल माइनस एम प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा वन बाई थ्री और ये क्या होगा एल प्लस एम माइनस एन का होल स्क्वायर सारे में कॉमन ले लेते हैं हम लोग वन बाई थ्री और यहाँ भी इसको हम लोग तोड़ लेते हैं एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका ये आ जाएगा आपका
फिर क्या आ जाएगा आपका माइनस एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका एल माइनस एम प्लस एन का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका कितना एल प्लस एम माइनस एन का होल स्क्वायर, ये पूरा निकल जाएगा। अब ये जब पूरा स्क्वायर इसका वैल्यू वन होता है, आपको पता होगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, वन होता है। आप इसको डायरेक्शन रेशियो में पढ़ चुके होंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर भी मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर भी मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सब जगह मिलेगा, मतलब यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक, तो एक 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 फोर टाइम फोर बाई थ्री, लास्ट में क्या आ जाएगा फोर बाई थ्री बन जाएगा। इसी को हम लोग को प्रूव करना था, ठीक है, देख लें यहाँ पे, ठीक है, इसी को प्रूव करना था।